आपके खिदमत में पेश है जनाब कामरान साहब, जो कि बीजेपी अल्पसंख्यक के नेता हैं कामटी के, लेकिन मेरे लिए उससे बढ़कर ये समाज सेवक है। जैसा कि मैं आपसे बयान कर रहा था, मुझे याद आ रहा है कि मुहर्रम 10 मुहर्रम के दिन आपने मुझे इनवाइट किया था, वहां पर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था, वहां मैं आकर बिल्कुल एक नया नजारा देखा। माशाल्लाह, वो एक गम का दिन जो भाई मनाते हैं, वो तो अपने तकरीबात में लगे हुए थे, कुछ भाई लोग वहां ब्लड डोनेशन कर रहे थे, जो मेरे लिए नई बात थी। ये नई पहल किसकी तरफ से है, कब से है, जरा उस पर रोशनी डालिए माशाल्लाह। ये नई पहल नहीं है, ये इसी काम को अंजाम 22 सालों से हुसैनाबाद में दिया जाता था। कुछ 2 वर्ष पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया, उसके पहले 2 सालों से ये बंद था। तो उसी दरमियान मैं राजनीति में तो नहीं था, लेकिन सोशल वर्क करने का बहुत जज्बा था। अपने हालात को देखकर मैंने जज्बा पैदा किया था। तो जब इस कार्य को मैंने बंद देखा, मैं अपनी उम्र के युवा होने के माध्यम से उस पड़ाव पर था कि मेरे अंदर एक जोश था, सारी बातें थी कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने उस चीज को स्टार्ट किया कि भाई ये होता था पहले से स्टार्ट है, हम फिर से क्यों इसको ना शुरू किया गया। मैंने फिर से उसको शुरू किया और उस काम को अंजाम दिया। ना कि उसका कोई उद्देश्य है कि हम मुहर्रम से कोई उद्देश्य नहीं है, गम का माहौल होता है, इमाम की शहादत होती है, उस पर रक्त दान करना, उस रक्त से किसी की जान बचाना, इंसानियत का मैसेज देना, इंसानियत का पैगाम इमाम के नाम से देना, यही चीज मैंने सीखी थी कि मैं कोई इंसानियत का अच्छा काम करूं, ना कि कुछ गलत। कामरान साहब, आप सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हो, मैं जानना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन के अलावा और कौन कौन सी सरगर्मियाँ हैं जिसको आप अंजाम देते हैं, उसके बारे में जरा डिटेल से बताएं, और वो किस तरह से अंजाम देते हैं, उसमें क्या तकलीफें आती है, क्या आपको पॉसिबिलिटीज लगती है और आसानी से आप कर पाते हैं, उसके बारे में जरा बताएं। ब्लड डोनेशन के अलावा तो आपका जो मुद्दा है, ये सबसे पहले मैंने इसी चीज पे गौर किया था कि जो एजुकेशन है, हमारे बच्चे जो है गांव के बच्चे, जिस तरह जिस हालात से आपने इफ्तिखार सर को बुलाया, आपने इफ्तिखार सर की खुद से बात सुनी होगी, डॉक्टर शादी करी उनकी भी सुनी होगी। उस हालात से मैं तो उस समय नहीं था और था भी तो बहुत छोटा था, लेकिन आज मैं एक गरीब परिस्थिति में रह के भी अपने मन में एक जज्बा रखा हूँ कि मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि उस ग्रुप के माध्यम से मेरी सोच थी कि एजुकेशन सबसे बेहतर है। हमें जो एजुकेशन देना है बच्चों को, आज हमारे गांव में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने एजुकेशन छोड़कर और काफी हद तक एजुकेशन हासिल करने के बाद वहां से छोड़कर गैरेज में है, ड्राइवर है, कुछ फर्नीचर का काम करते हैं। तो ये देखकर एक बड़ा दुख होता है कि इतना दूर जाने के बाद उनकी ऐसी क्या परिस्थिति आज पड़ी। जितनी लोग है लेकिन स्वयं जाना नहीं पसंद करते, स्वयं मदद करना का पसंद नहीं करते, लेकिन मैं चाहता हूं कि खुद होकर जाओ, क्योंकि उसे उसके अंदर एक मन के अंदर जब उसने पढ़ाई होगी, उसके मन के अंदर डर है कि ना मैं कर्जा ले सकता हूँ, अगर कर्जा दिया तो भरूंगा कहाँ से। दूसरा, किसी से मांगने में उसको इच्छक है कि मैं कैसे मांगू। इसलिए उस गांव में हम जिस गांव में रहते हैं, हमें वो दिखाई दे रहा है कि उसकी कुछ आर्थिक परिस्थिति खराब है, उसने एजुकेशन छोड़ने की कोशिश कर रहा है और अभी कोशिश कर रहा है, तब हमें उसको बढ़कर पूछना चाहिए भाई मेरे को क्या तकलीफ आ रही है, और तकलीफ आ रही है तो हमें बुलकर बता। आप चार के सामने जरूरी नहीं है, अल्लाह देख रहा है आपको, आप कहीं भी छुप के मदद कर सकते हो, जरूरी नहीं कि उसके लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ना कि मंच होना चाहिए। आजकल तो लोग मंच बनाकर मदद करते हैं, उस मंच वालों से मैं अनुरोध करता हूँ कि मदद अल्लाह देखता है, अल्लाह आपको भेजता है, उस मंच की कोई आवश्यकता नहीं है अल्लाह को। ये आपका राजकरण, ये लिखा हुआ, इसे राजकरण तक रहने दीजिए, राजकरण में बहुत सारे काम है, आप राजकरण में करिए, ये बेहतर है, लेकिन किसी की मदद जो है वो आप
मंच बनाकर ना करिए, मैं आपको पैसे दूंगा कि उसे मंच बनाकर किसी के गरीब की इज्जत उसे मंच पर लाकर 5,000 का चेक देना, 2,000 का चेक देना उसको। ये मेरे, मैं अपना ही नाम लूंगा, मेरे शान के खिलाफ, मेरे इच्छा के खिलाफ है, क्योंकि मदद तो उस तरह की थी कि उसे किसी का एहसास ना हो और जो मदद लेने वाला हो उसे सर झुकाना या शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े कि आपने मदद की। जी कामरान साहब, एक कहानी याद आ गई, 3 लोगों की कहानी है ये, समबडी, एवरीबडी और नोबडी। हर अच्छे काम में ऐसा ही होता है मेरे भाई, एवरीबडी सोचता है कि सब बड़ी करेगा, इसलिए नोबडी करता है। एक राजा ने अपनी प्रजा को हुक्म दिया कि पड़ोस में जो गांव है, पड़ोस में जो गांव में कुआं है पानी वाला, उसमें रात में सारे लोग अपने घरों से एक लोटा पानी लाकर, एक लोटा दूध लाकर डालेंगे। सुबह कुआं खोला गया तो कुआं भरा हुआ था, जानते हैं कैसे? पानी से। क्यों? सबने क्या सोचा, सब तो दूध डालेंगे ना, मैंने पानी डाल दिया तो क्या किसे पता चलेगा। ये किस्सा हमारा भी है, हर अच्छे काम का यही मामला है, अच्छे काम को हम दूसरों के भरोसे कर देते हैं और बुरे काम कर गुजर निकलते हैं, अल्लाह इससे हमें बचाए। राजनीति के ऊपर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने जो 2 राजनीतिक पार्टी से अपना संबंध बताया, पहले शिवसेना और बाद में आजकल जो बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं, बाकायदा पार्टी का नाम लेकर हम आपसे बाद में सवाल करेंगे। पहली चीज तो ये कि ऐसी पार्टियों से जुड़ने के लिए घर में और समाज में, मुस्लिम समाज में आपको बहुत सारी परेशानियां आई होंगी, कुछ एक तो हमें बताइए 1-2 मिनट में। परेशानियां तो आई क्योंकि ये लोगों की सोच पर निर्भर है, लोग क्या सोचते हैं शिवसेना बीजेपी के लिए उनके कार्य पर निर्भर नहीं रहते। मैंने अपने पहले शब्दों में कहा था कि अगर हमें एक पक्ष को परिवार के तरह समझना चाहिए, उस पक्ष को परिवार अगर हमने समझा तो मेरे घर में 4 भाई हैं, हम कुल 4 भाई हैं, उसमें से मैं अपनी माँ का सबसे छोटा बच्चा हूँ और मैं बहुत ज्यादा शरारती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ हूँ, तो मेरी माँ मुझे काट कर नहीं देखेंगे। उसी तरह मैं राजकरण को देखता हूँ कि एक जो नेता शिवसेना या बीजेपी में भी अगर रहते हैं वो हिंदुत्व की बात करते हैं तो हमें उसे इग्नोर करना चाहिए, ना कि उस पर मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ करना है समाज के हित में करना है, और समाज के हित में करते रहने के लिए अगर हमने उस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए कि लोग शिवसेना बीजेपी इस तरह का सोच रखते हैं, ये गलत है। अगर सोच वो गलत होती तो शायद हिंदुस्तान में 4.5 साल सत्ता में रहने के बाद बहुत सारी कठिनाइयां अगर मुसलमानों के खिलाफ होती तो मुसलमानों को गुजरनी पड़ती। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपके जहन में अगर कोई मुद्दा होगा तो सर आप बोल सकते हो लेकिन मैंने ऐसी कठिनाइयां कि मुसलमानों को ऐसी नहीं देखी 4.5 सालों में। आपने अगर देखी होगी, ढूंढी होगी, आपको मिली होगी तो आप उससे बिल्कुल भी तो सवाल कर सकते हो। भाई कामरान साहब, आपने पार्टी के बारे में जो कुछ भी बताया वो तो आइडियोलॉजी की बात है कि जो आपको पसंद आती है आप उस पार्टी में जोड़ते हो। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि समाज में लीडरशिप का जो नुकसान हुआ है, फुकदान हुआ है, पहले आप समझते थे कि हमारे समाज में लीडर है और लोग उनके पीछे चलते थे, उनकी बातें सुनते थे, लेकिन आज युवाओं में लीडरशिप जो है कम हो गई है और वो किस तरह से बढ़ेगी और सही लीडरशिप क्या होती है उसके बारे में जरा रोशनी डालें। लीडरशिप तो सही वो होती है जो समाज के हित में हो, समाज सेवा के रूप में हो। समाज सेवा के लिए अगर राजकरण करें तो वो राजकरण अच्छा है, ना कि कांग्रेस, बीजेपी, जातिवाद, भेदभाव, ये सब राजकरण उन गंदे लोगों को होते हैं जिनकी सोच गंदी है, जिनके शरीर में खून गंदा है, उन्हीं लोगों को सब सोचते हैं। क्योंकि राजकरण ये देश आजाद देश है, जरूरी नहीं कि मुसलमान बीजेपी में नहीं जा सकता, जरूरी नहीं है मुसलमान शिवसेना में नहीं रह सकता। जिस तरह सभी लोगों के लिए देश आजाद है उस तरह
हम लोगों के लिए देश आजाद है कि हमें हमारी सोच में डिपेंड करता है कि हमें किस पक्ष में जाना चाहिए या किस पक्ष में नहीं जाना चाहिए। क्यों मैं बुरा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस के ऊपर से एक मैं बात बता दूं आपको कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी सिर्फ हमारे मतों का उपयोग करने वाले पक्ष है कांग्रेस। ना कि कभी भी उन्होंने मुसलमान पक्ष के लिए अगर बुरा नहीं बोला तो अच्छा किया नहीं। कुछ अच्छे कार्य अगर कांग्रेस की होती तो शायद मैं उनके साथ होता। मुसलमान हिंदू में बात करने वाले जब कोई बीजेपी नेता हो या शिवसेना का नेता हो अगर वो मुस्लिम विरोधी बात करता है तो उस समय कांग्रेस के लीडर चाहे मुस्लिम लीडर हो या कोई अदर कास्ट लीडर हो उस पर विरोध मुझे नहीं जताता। विरोध आम लोग आम जनता ही विरोध नहीं जताती, जबकि विरोध को उन्हें भी जताना चाहिए। वो विरोध नहीं जताते क्योंकि वो एक थाली में खाना खाते हैं, इसलिए विरोध नहीं जताते। मैं आपको याद दिला दूं पॉलिटिकल सवाल के पहले और बाद में भी हमें ना नोट चाहिए ना वोट चाहिए, हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है। भारत के लिए उसकी तरक्की के लिए काम करने वाली सारी पार्टीज मेरी अपनी है और मेरी अपनी राय है कि इंसान को हमेशा विपक्ष में बैठना चाहिए। पार्टी जो भी आए उसको तनकीद की नजर से ही, क्योंकि तनकीद की वजह से तरक्की हो पाएगी। बहरहाल मेरा एक छुपता हुआ सवाल, आप बीजेपी में फिलहाल हैं, पहले शिवसेना में थे, शिवसेना से बीजेपी में आने का कारण बीजेपी क्यों कांग्रेस क्यों नहीं, इस पर जवाब दे पाएंगे आप? बीजेपी क्यों कांग्रेस क्यों नहीं, मैं पहले इसके लिए सर क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं मैसेज जो है वो लोगों तक कहना चाहता हूँ, ना कि सवाल का जवाब आप लोगों से। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज जिन लोगों तक जा रही है मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, ना कि आप लोगों को हर्ट करना चाहता हूँ ना किसी और को हर्ट करना चाहता हूँ और किसी को बुरा भी लगे तो मैं इसी माध्यम से उनसे माफी भी मांगना चाहता हूँ। मेरे कोई शब्द का अगर किसी को ठेस पहुंचती है दुख होता है तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। और मैं बता दूं शिवसेना क्यों बीजेपी क्यों नहीं, मैं 3.5 साल जब मुंबई में रहा वहां पर शिवसेना का कार्य ब्लड डोनेशन कैंप और काफी सारी चीजें जो समाज हित में वो सेवा करती है, लोगों की मदद करती है, अच्छे काम करती है। जबकि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ कामपी या नागपुर में बीजेपी शिवसेना में लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ शिवसेना में काफी सारे मुस्लिम लोग हैं जिनके पास अच्छे अच्छे होते हैं, जबकि शिवसेना का ही पहला आमदार एक मुस्लिम था। तो मेरा शिवसेना छोड़ने का कारण तो इस जगह मैं बता दूं कि मैं शिवसेना जब छोड़ा तो जो बात बालासाहेब ठाकरे ने थी वो बात उद्धव साहब में नहीं आई, वो जज्बा वो दहाड़ जो शरीर की दहाड़ होती है वो बालासाहेब ठाकरे में ही थी। और बालासाहेब ठाकरे का एक आदेश जिनके घर से बाहर ना निकलने पर भी दुनिया कांपती थी वो दहाड़ शायद उनके बेटे के अंदर नहीं आ सकी, इसलिए मुझे वो पक्ष थोड़ा कमजोर था। तो जरूरी नहीं कि मैं बीजेपी सत्ता देख कर गया, जबकि मैं पिछले 10 वर्ष विपक्ष में काम किया हूं और विपक्ष में काम करने का एक मजा अलग होता है। क्योंकि कुछ रीजन जो आपको बता दूं कि बीजेपी में जाने का क्या था, क्योंकि जो बताए बीजेपी का इशारा जरूर था मेरे पास में, उन्हीं लोगों की सबकी इच्छा थी कि शिवसेना ने आपको कुछ नहीं दिया, शिवसेना ने हमारे लिए कुछ नहीं दिया, जबकि मैंने मांगा भी कुछ नहीं। लेकिन मेरा एक दूर दिन था तो उसमें मुझे तनहाइयां देने लगी, मुझे कुछ अपना अकेलापन महसूस होने लगा कि सारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं तो मैं भी बीजेपी में चला जाता हूँ। ना कि इसमें मेरा कोई उद्देश्य था, मेरा कोई फायदा था, ना मेरा कोई लालच है। मेरा ही एक गुरु था वो पूरा का पूरा बीजेपी में जाना चाहता था, इसलिए वो लोग हो गए, इसलिए मैं भी होना चाहिए।
कामराज जी बहुत सारी बातें आपने बताई, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजकारण को और सामाजिक सेवा को आप एक साथ किस तरह जोड़ सकते हैं, दोनों में क्या तालमेल है, या दोनों एक दूसरे के लिए किस तरह जरूरी है, उसमें जरा रोशनी डालिए, राजकारण और सामाजिक कार्य। राजकारण और समाज कार्य ये दोनों शब्द अगर अपनी सोच अच्छी रख के देखा जाए तो अच्छी जगह है, और आपने अगर उसे हटा दिया कि आपकी सोच में डिबेट है कि समाज सेवा जो होती है कुछ जगह ऐसी कठिनाइयां आती है कि हमें नेताओं का सहारा लेना पड़ता है, और जब हम सिर्फ समाज सेवा कर रहे किसी राजकारण पक्ष से अगर नहीं जुड़े तो वो कठिनाइयां हमें किसी न किसी छोटे नेता या हमारे मोहल्ले के नेता या पार्षद के प्रति उनसे एक रिक्वेस्ट करते होंगे कि चलो भाई हमें साहब से मिला दो, चलो भाई हमें साहब से मिला दो, तो ये कठिनाइयां मैं भेज देता था। तो मैंने कुछ सोचा कि मैं कुछ पॉलिटिक्स करूँ और मैं इनके उनके चक्कर में ना कर सकता, क्योंकि डायरेक्ट वो काम करने पर वो काम का अंजाम दो, क्योंकि जब मैं किसी पार्षद के पास जाता था या कोई छोटे नेता के पास जाता था तो मेरा तीन चार दिन जो ही काट देता था, आज जाना है कल जाना है, और एक गरीब के लिए तीन चार दिन या उसके दुख के लिए या उसको बीमारी के लिए कोई मदद करनी है या कुछ समाज के लिए भी अगर मदद देनी है तो वो तीन चार दिन वही व्यक्ति को एहसास होता है जिसके ऊपर बीतती है। ये एहसास हमको भी नहीं होता, ये लगता है लेकिन नेताओं को समय का एहसास नहीं है। आज कोई किसी भी पक्ष का नेता हो, जनता कुर्सियां तोड़ते हुए घंटों से बैठे रहती है और वो 15 मिनट के लिए जब आता है तो 2 घंटा लेट आता है, तो उसे अगर जनता का एहसास होता तो वो कभी अपना जनता का समय खराब ना करता। इसलिए मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि समाज के हित में यदि आप कोई कार्य आपके पास कोई मदद के लिए आए तो बीजेपी अपने सारे काम को छोड़कर पहले उनकी मदद कीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति वो है जिसने आपको नेता बनाया, अगर वो ना होता तो आप नेता नहीं होते। इसलिए सबसे पहला काम उसका रहना चाहिए, और मेरी कोई ऐसी सोच नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में नेता बनूं, कोई पार्षद बनूं, विधायक बनूं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा उद्देश्य एक समाज सेवा है और समाज सेवा ही करना मेरा बहुत बनता है। अल्लाह ने मुझे उसकी ताकत दी कि मैं वैसे से अगर किसी की मदद नहीं कर सकता तो मेरे शरीर में जो अंश है ब्लड का और जो मुझसे हो सकता है कोशिश करता हूं, अगर अल्लाह ने मुझे ताकत दे दी तो मैं वो कर गुजरता हूं। इस चीज को बोलना मेरा मुनासिब नहीं है कि मैं लोगों की मदद यहां बताऊंगा। बहुत शुक्रिया जो आपने